देखिए ना, एक तो इतनी मुश्किल से उसने आई लव यू बोला, इतनी मुश्किल से शादी हो रही है, अब शादी में ये दुविधा आ गई। खैर, अंत भला तो सब भला। हाँ, एकदम हाइट पे एकदम ये होता है कि अब होते होते रह गया, वरना किसी और शादी होती तो मेरा क्या होता, वो भी ऐसे लड़के से। नहीं, दरअसल सामूहिक विवाह था तो बहुत सारे दूल्हा दुल्हन थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। और दिक्कत ये हो गई कि दूल्हे ने कपड़े बिल्कुल युवराज की तरह पहने थे और जो दूसरी दुल्हन थी उसने कपड़े मेरी तरीके पहने थे, इस वजह से गलत फहमी हुई। आ जाएंगे। वरना इतना तो हम पहचानते हैं एक दूसरे को, पर वो कपड़ों की वजह से और पूरा फेस कवर था, घूंघट था, तो इस वजह से ये हो गया। चलो, इस बार पहली जो शादी युवराज से हुई थी उस बार का मुझे याद है, चनिया चोली बहुत हैवी था, बहुत भारी था। उसकी चुन्नी मुझे अभी भी याद है, वो चुन्नी जब सर पे आती थी तो मेरा सर ये रहता था, मैं उस चुन्नी को एक जगह करके यहाँ कंधे पे डाल के रखती थी पूरा दिन, इतना हैवी था। बट इस बार बहुत हल्का, बहुत चुन्नी भी बिल्कुल कम है। और सबसे खास बात है मेरे ये हाथ। चलो, बाय।